हेलो एस्पिरेंट, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि उनका आईनेट का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको आईनेट का जो एडमिट कार्ड है वो किस तरीके से डाउनलोड करना है, ठीक है? तो शुरुआत से लेके एंड तक की वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर कोई स्टेप मिस करेंगे तो वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी फेस होने वाली है, ठीक है? तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको बेसिकली करना क्या है कि गूगल में जाने के बाद आपको जॉइन इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहती है वहाँ पर आपको पहुँच जाना है, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपके लिए क्या करना है, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है? तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेनी है और जो आपका पासवर्ड रहता है वो फिल करना है, ठीक है? पासवर्ड फिल करने के बाद आपके लिए जो कैप्चा रहेगा वो फिल करना रहेगा। उसके बाद आपको सिंपल लॉगिन कर देना है, ठीक है? तो ये तो रहा आपका लॉगिन तक का प्रोसीजर। आगे लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, सिंपल आपको जो एप्लीकेशन वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन वाले फॉर्म पर जब आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके जितने फॉर्म आपने अप्लाई किए होंगे वो सारे फॉर्म आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, यहाँ पे जो टाइटल आपने जिसके लिए अप्लाई किया है और जिस डेट को आपने अप्लाई किया, ठीक है, और उसका एक्शन क्या रहा है। तो ये सारा प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि जैसे कि अगर आपका जो आईनेट का फॉर्म है उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा होगा वो इस तरीके से दे रखा होगा, ठीक है? ये मैंने एक सैंपल के टाइप पे ले लिया है और यहाँ पे आपके लिए जो पूरी सारी डिटेल दे रखी होगी, ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो सिंपल आपको क्लिक करना, यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देना जो व्यू वाला ऑप्शन है, ठीक है? व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो फर्दर स्टेप रहेगा वो आपका ऐसा फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो बेसिकली इस वाले फॉर्मेट में आपको क्या करना है, यहाँ पे ही आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हो रही है, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड की स्टार्टिंग डेट है वो आपको 8 सितंबर दे रखी है और जो आपका क्लोजिंग डेट है वो आपके लिए 15 दे रखी है। तो सबसे पहले आपको चूज कर लेना है कि इंग्लिश आपको, ठीक है? इंग्लिश चूज करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, ठीक है, जो आपके आईनेट वाली एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वो उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर दे रखा होता है, तो उस एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है? कॉपी और पेस्ट करने से यहाँ पर वो नहीं आएगा। तो ये आप बात आप ध्यान रखिए, और आपको जैसा जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वही यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जो रेड वाला ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर में। डेट ऑफ बर्थ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस तरीके जो फॉर्मेट दे रखा है, जैसे आपकी अगर डेट यहाँ पे मैंने ले रखी है 10/12/2019, ठीक है, जैसे 10 तारीख 12वां महीना और 2019, ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिल करना है। जो आपका डैश भी है ना वो भी आना चाहिए, इसमें कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। जैसे कि अगर आप 10 लिख रहे हैं तो पहले आप 1 क्लिक करेंगे, फिर 0 क्लिक करेंगे, फिर डैश, फिर 1, फिर 2, फिर डैश, फिर 2019, ठीक है? तो ये फिल करने के बाद आपके लिए क्या फिल करना है, जो कैप्चा रहेगा उसको फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके लिए आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है, कि जो इस तरीके का आपका जो फॉर्मेट है एडमिट कार्ड का वो आपको दे रखा होगा, और ठीक है, वो पूरा एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना रहेगा, जो टॉप कॉर्नर पर राइट कॉर्नर पर दे रखा है क्लिक टू प्रिंट, ठीक है? तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप उसको एज ए PDF भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, और आप अगर डायरेक्ट आपके पास अगर प्रिंटर है तो आप वहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप थे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ जो आपका डिफ़िकल्टी फेस हो रही होगी आपको, और यहाँ पे आपको कोई भी इशू हो रहा होगा वो मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।